नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों का स्कॉलरशिप आ गया होगा। मैं भी दोस्तों बहुत से लोगों का स्कॉलरशिप जो है वह रिजेक्ट कर दिया गया होगा। तो दोस्तों रिजेक्ट करने के पीछे क्या कारण हो सकता है आज की वीडियो में हम जानेंगे, और दोस्तों यह जानेंगे कि किन छात्रों का स्कॉलरशिप आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप यह जान लीजिए कि आप दोस्तों आज जैसे कि आज 22 तारीख है, तो दोस्तों अब यानी कि 20 मार्च जो आपका था 20 मार्च 2022, दोस्तों 20 मार्च 2022 यह सत्र 2021-2022 का लास्ट डेट था, क्योंकि दोस्तों 20 मार्च 2022 के बाद अब किसी भी छात्र का स्कॉलरशिप वेरिफिकेशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है अब नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों जिन छात्रों का वेरीफाई हो गया होगा उन छात्रों का 31 मार्च के पहले स्कॉलरशिप आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों 31 मार्च हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है 31 मार्च उसका लास्ट डेट है। अगर आपका दोस्तों वेरीफाई हो गया है, मतलब कि दोस्तों अगर आपका कुछ इस तरह का शो हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं जैसे दोस्तों इनका दिया गया है वेरीफाइड। देखिए दोस्तों इनका वेरीफाइड हो गया डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, इनका दोस्तों कब हुआ है 22/11/2021 को ही हो गया था, तो दोस्तों अभी तक इनका आया नहीं है। तो आप इसको याद रखिए, अगर आपका दोस्तों स्टेटस कुछ इस तरह से शो हो रहा है जैसे कि इनका हो रहा है, तो आपका दोस्तों स्कॉलरशिप आना तय है। लेकिन दोस्तों आना तय है कि मतलब ये नहीं है कि आपका स्कॉलरशिप आएगा ही। अगर दोस्तों सरकार के पास बजट रहता है और आपका दोस्तों वेरीफाई हो गया है, तो 31 मार्च के पहले आपका स्कॉलरशिप आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप अभी इंतज़ार करिए 31 मार्च तक। अगर दोस्तों आपका आना रहेगा तो आपका 31 मार्च से पहले आ जाएगा। और दोस्तों जैसे कि आपको दिखा देते हैं, यहाँ देखिए दोस्तों, पहले दोस्तों एक छात्र थे, इनका पेंडिंग दिखा रहा था, मतलब अभी तक इनका ना रिजेक्ट हुआ था ना वेरीफाई हुआ था। अभी दोस्तों इनका पेंडिंग दिखा रहा था, मतलब कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, आगे इनका रिजेक्ट हो सकता था या फिर वेरीफाई भी हो सकता था। और दोस्तों उस समय इनका करंट स्टेटस दिखा रहा था, ये यहाँ देखिए दोस्तों लंबा चौड़ा दे रखा है कि आपका परसेंटेज 75 से कम है, इनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच, ऐसे तमाम चीज़ दोस्तों इतना लंबा दिखा रहा है, आप इससे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों कुछ समय बाद फिर हमने इनका चेक किया, यानी कि दोस्तों जब इसका लास्ट डेट था यानी कि 20 मार्च। अब दोस्तों यहाँ देखिए कि इनका 20 मार्च को क्या शो हो रहा है, यहाँ देखिए दोस्तों आप यहाँ 20 मार्च लिखा है, और दोस्तों 20 मार्च को इनका दोस्तों दिखा रहा है डाटा नॉट प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट, मतलब कि दोस्तों जो इनका इंस्टीट्यूट डाटा था यह प्रोवाइड नहीं किया गया, इस वजह से दोस्तों इनका स्कॉलरशिप जो फॉर्म था रिजेक्ट हो गया। तो दोस्तों कहना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों अब यह तय है कि इनका स्कॉलरशिप आ नहीं पाएगा। अब दोस्तों इसमें आप इनकी गलती मानिए या फिर कॉलेज की गलती मानिए, या फिर दोस्तों भी कॉलेज से बात किया गया था तो कॉलेज ने कहा कि हमने अपनी तरफ से पूरा सही किया था, हमने डाटा प्रोवाइड किया था उनको, लेकिन वही रिजेक्ट कर दिए। तो दोस्तों मैं भी अब इसमें किसकी फॉल्ट है हम नहीं कह सकते, लेकिन दोस्तों इन भाई साहब का अब स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगा क्योंकि अब इनका रिजेक्ट हो चुका है। तो आप इसको याद रखिए, अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तब भी दोस्तों आप इसको संशोधन नहीं करा सकते, क्योंकि दोस्तों इसका 20 तारीख ही लास्ट डेट था। अगर दोस्तों कोई यूट्यूबर बता रहा है कि अभी आप यहाँ जाइए यहाँ जाइए आपका संशोधन हो जाएगा, तो दोस्तों वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। और दोस्तों अगर आपका दोस्तों स्टेटस ऐसा शो हो रहा है तो आप इंतज़ार करिए, अगर दोस्तों सरकार के पास बजट रहता है तो आपको 31 मार्च के पहले ही आपका बैलेंस आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा आपको और दिखा देते हैं कुछ, एक दोस्तों इसको आप याद रखेंगे रखिएगा दोस्तों, रिजेक्ट होने का एक कंडीशन ये भी है, अगर आप दोस्तों हाई डिग्री करने के बाद लो डिग्री करते हैं तो दोस्तों आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप इंटर किए, 12th के बाद दोस्तों आपने डिप्लोमा कर लिया, 3 ईयर दोस्तों डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा दोस्तों करने के बाद आपने यहाँ भी स्कॉलरशिप ले लिया है, अब दोस्तों आफ्टर डिप्लोमा आप आ रहे हैं ITI करने, आफ्टर डिप्लोमा ITI करने आ रहे हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पे ITI में स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। अगर आप डिप्लोमा में स्कॉलरशिप लिए हैं तो ITI में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों डिप्लोमा और ITI दोनों सेम फील्ड के हैं, इस वजह से दोस्तों डिप्लोमा हाई लेवल का होता है, ITI उससे लो होता है। तो कहने का मतलब कि अगर आप डिप्लोमा हाई लेवल डिग्री ले चुके हैं तो दोस्तों आपको छोटी डिग्री पर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, इसको भी आप याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ देख लीजिए, इनका वही दिखा रहा है कि इनका डाटा प्रोवाइड नहीं किया गया था, इस वजह से इनका रिजेक्ट हो गया है।
अगर दोस्तों आपका स्कॉलरशिप आ जाता है, जैसे दोस्तों इनका देखिए पिछले सत्र का है, 2021 का है, इनका वेरीफाई हो गया था, यहाँ देखिए वेरीफाई हो गया था, जब इनका स्कॉलरशिप आ गया था तो कुछ इस तरह का इनका करंट स्टेटस दिखा रहा था कि आपका आधार वेरीफाई नंबर, अकाउंट नंबर ये है, इसमें इतना इतना पैसा भेजा जा चुका है। आई होप आप समझ चुके होंगे। ऐसे ही जानकारी के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको दोस्तों कोई भी डाउट है स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।